अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी और आज फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं। वो विषय है एक बहुत ही अच्छा विषय है जो मैंने कम्युनिटी टैब में भी उसका एक पोस्ट डाला था दोस्तों, कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आफ्टर इंटरकोर्स विद इन 72 आवर्स। मतलब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या ले, जब 72 घंटे के अंदर आपका संबंध आपके पार्टनर के साथ हुआ है और आप प्रेगनेंसी या कंसीव नहीं करना चाहते हो। दोस्तों उस टाइम पर मैं आपको कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि अनवांटेड 72 ये टैबलेट मिलता है, वो आप खा सकते हो, नंबर वन। या इसी में जो कंटेंट है वो लियोनॉर्जेस्टॉल, ये कंटेंट का टैबलेट आप इमीडिएटली, आपका संबंध हुआ है या इंटरकोर्स हुआ है तो 72 तास के अंदर यदि आप ये गोली खाते हो तो आपका जो है कंसीव होने के चांसेस बहुत कम है दोस्तों। दूसरा इसमें और एक पॉइंट ये आता है कि इमीडिएटली अगर छाया नाम की टैबलेट जिसमें सेंट क्रोमैन कंटेंट होता है, उसका कंटेंट है ऑर्मेलॉक्सिफीन 30 mg की अगर गोली आप इमीडिएटली गोली खा लेते हो दोस्तों, तो भी ये एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करेगा। ये जो ओवम होता है, जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है, उसको जो इंडोमेट्रियम अंदर की जो लेयर है यूट्रस की, उसमें जो है इम्प्लांट नहीं होने देता, इसलिए ये भी जो है एक प्रकार का मेरे ख्याल से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है दोस्तों। और इसमें मैं आपको एक थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताऊँगा दोस्तों, जो कि आप सबको शायद पता ना हो। अगर आपका संबंध हुआ है दोस्तों तो अगर आप 72 घंटे के अंदर अगर कॉपर टी, जिसको हम तांबी बोलते हैं, कॉपर टी 375 या कॉपर टी 380A, ऐसा एक कॉपर टी वहाँ पे डाल देते हो लेडीज़ को जिसके साथ आपका इंटरकोर्स हुआ है, उसके कॉपर टी अगर प्लेस करते हो तो ये भी एक प्रकार का बहुत ही अच्छा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकता है दोस्तों। दोस्तों जैसे मैं आपको बताया कि एक तो है लियोनॉर्जेस्ट्रॉल या फिर अनवांटेड 72 टैबलेट या फिर सेंट क्रोमन या और मेलोक्सिफेन जिसका नाम है छाया टैबलेट, और दूसरा जो है इसमें कॉपर टी, ये चार पांच चीज़ें जो है आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव विद इन 72 आवर्स के अंदर अगर आप इसका यूज़ करते हो तो प्रेगनेंसी वहाँ पर कंसीव वहाँ पर नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों इसी के संबंध में फैमिली प्लानिंग या कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में हम आगे डिटेल वीडियो बनाएंगे। अभी मेरा एक इरादा था कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के ऊपर एक वीडियो बनाऊं मैं आपके लिए और आपके सामने आऊं। अब दोस्तों ये कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आप लेते हो, कोई नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का अगर वापर करते हो, जैसे कि बहुत से लोगों को पता है कि कॉन्डोम एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है या स्पर्मिसाइड या फिर बहुत ही अलग अलग चीज़ें जो हैं जिसमें परमानेंट स्टरलाइजेशन है, टेम्प्ररी स्टरलाइजेशन है, ऐसी चीज़ों के बारे में हम आगे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे दोस्तों। होप दोस्तों ये जानकारी आपके लिए अच्छी हो तो इसका वापर अपने दैनंदिन जीवन में आप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।